क्या नाम है भैया? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नहीं बताओ भाई, पनिया भरत हुआ भैया की का, पानी काहे के भर रहे आप? पीने के लिए? क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा, पानी पीने के लिए ले रहे हैं। क्या सरपंच उनको क्या कहना चाहिएगा? मेरे चैनल के माध्यम से मुखिया हैं, सरपंच क्या कहिएगा उनको? क्या कहें, कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो मुखिया जी आते हैं ना इधर? नहीं आते हैं सर। आए नहीं आते हैं मुखिया जी? कभी नहीं आते हैं देखने के लिए? क्या मुखिया जी साहब ने कहा कि सर हमारी ये समस्या है? सब बोला गया है मुखिया जी से। मुखिया जी बोले कि समय देंगे, हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा कब हो जाएगा पता? जनता बीमार पड़ रहा है पानी पी करके। एक यहाँ दादा नगर नहट्टा ये तस्वीर में दिखा रहा हूँ, ये भी आप देख सकते हैं, हकीकत ये भी देख सकते हैं। सारी तस्वीर ये हकीकत बयां कर रही है इस सड़क का, इस नाले का। और आइए मैं दिखाता हूँ यहाँ के हालात को। और मेरा दिखाने का मकसद क्या है कि मैं क्या चीज़ दिखाना चाहता हूँ, बने रहिए नया दिन पर। और एक जीती जाती तस्वीर, दो चापाकल है साहब, दोनों चापाकल सरकारी है। और ये नाला की हकीकत को देख सकते हैं। और मैं लोकेशन दिखा दूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याजी जी, और मैं हूँ शादी के मैम न्याजी। शादी के मैम न्याजी आज दारा नगर में है और नहट्टा के ब्लॉक के इलाके में है। और यहाँ पे एक समस्या है साहब, ये देखिए अम्बेडकर चौक है। और अम्बेडकर चौक का सूरत हाल क्या है, नज़ारा क्या है, बने रहिए। पहले स्क्रीन पर देखिए कि यहाँ की तस्वीर क्या है, मैं किस खबर को दिखाने आया हूँ, ये हकीकत खबर है साहब। पहले तो दो तस्वीर देखिए, यहाँ पे मैं आपसे मुलाकात कराता हूँ। यहाँ पे दो सरकारी चापा नल है और यहाँ पे जल जमाव है साहब। स्थिति आप देख सकते हैं कि कितना डेंजर ये मामला है साहब, भला बताइए। दिन में कीड़े मकोड़े, रात में मच्छर, ये एक बीमारी का बहुत बड़ा घर है साहब। आप देख सकते हैं जल जमाव, और ये सूरत हाल भी देख सकते हैं कि ये नाली है साहब, बराबर ये नाली बना हुआ है और ये नाली का पानी यहाँ पर जल जमाव है। लेकिन अगर एक और खबर है कि इसके पीछे में, इस दुकान के पीछे में कब्रिस्तान है, जो कि इंसान का आखिरी आरामगाह होता है। मरने के बाद इंसान कब्रिस्तान जाता है, एक दूसरा जगह शमशान जाता है। लेकिन जीती जाती तस्वीर, शर्मनाक कर देने वाली तस्वीर कि कब्रिस्तान में भी इस नाली का पानी जा रहा है। चलिए देखते हैं उस नज़ारे को। कैमरामैन सहयोगी से मैं कहूँगा कि पानी कैसे आता है, जब बारिश का पानी जब आता होगा तो इसी रास्ते से जाता होगा। ये देखिए रास्ता भी है साहब, और ये आगे में देखिए साहब, थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये जल जमाव की सूरत है और ये हकीकत है। आप देख सकते हैं हमारे आगे में भी एक कब्रिस्तान का इलाका है, और यकीन ना हो तो आप जूम करके वो दिखाएं, वो हरा सा जो वो कब्रिस्तान है उसे थोड़ा सा जूम करके वसीम दर से दिखाना भाई। आप देख सकते हैं कि इंसान का यहाँ पे कब्रिस्तान है, और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि गंदे नाले का पानी इस जगह आकर इस कब्रिस्तान के इलाके में, कब्रिस्तान की बाउंड्री में रहता है। मैं यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि, या मुखिया हैं या उप मुखिया हैं या जो भी वार्ड हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक इंसानियत का फ़र्ज अदा कीजिए। अगर जब भगवान ने, अल्लाह ने आपको इस वजह पर पहुंचाया है ताकि इन मरे हुए जो यहाँ पे दफन हैं उनका इंसाफ तो कीजिए, जो ज़िंदा हैं उनका इंसाफ बाद में कीजिएगा, वो ज़िंदा हैं ये मरे हुए हैं, कम से कम इनके लिए इंसाफ किया। सबसे बड़ी बात कि हमारे इस इलाके के जिला पार्षद साहब इस वक्त मौजूद हैं, और इत्तेफाक की बात, किस्मत की बात, न्याजी न्यूज़ की मुलाकात इस जगह पर हो गई है। जी सर, ऐसी हाल और ऐसी तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे आप?
सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल का जी। ये हालात तो बहुत ही बुरा है और मुझे फर्स्ट बार दिमाग पर आया, आपने लाया, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि ऐसी छोटी मोटी समस्या देखना चाहिए। और कोई विशेष समस्या नहीं है, यहाँ से जस्ट 100 फीट के बगल में एक नदी निकला हुआ है जी। इसको नाला बना के उसको नदी में डाला जा सकता है जी। और हम चाहेंगे कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हमारे मुखिया या BDC हैं उस संज्ञान में लेकर इसको जल्द इसका पानी को निकासी बना करके नदी में डाल दें, बेहतर होगा। अगर उन लोग से मैं वार्तालाप करूँगा मुखिया जी से और BDC से, अगर वो लोग इस तरह का नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं अपने तरफ से इसको करवाऊंगा। ये बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। बहार खान है गुलबहार जी, ये जो चापा कल लगा हुआ है इसका पानी कब्रिस्तान में जा रहा है, क्या कहना चाहिएगा? बिल्कुल गलत है, कब्रिस्तान में पानी जा रहा है। हमने पहले भी अधिकारी को जो है कि सूचना दे दिया है कि वो नाली का पानी जो है निकासी नहीं होने के कारण जो है कि पानी कब्रिस्तान में जा रहा है। इससे लोगों में आक्रोश भी है, किसी के आस्था के ऊपर ठेस भी पहुंच रहा है। और यहीं पर बगल में हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति भी है जो संविधान के रचयिता है। बगल में जो है कि बहुत खूबसूरत मंदिर यहाँ पर है जो पटना के बाद पहला मंदिर दारानगर में है। इतना खूबसूरत रहते हुए अभी इतना गंदगी यहाँ पर है। हमने सारे लोगों को अधिकारी को जो है कि सूचना दे दिया अभी तक, लेकिन कोई के अभी तक कान में जूई तक नहीं हिला हुआ। आप उप मुखिया हैं इस पंचायत के, और पंचायत की ओर से क्या पहल की गई? पंचायत के चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि इतना जल्द हो सके जल्दी से जो है कि PWD रोड को तोड़ के भाव डाल के जो है कि पानी का निकासी हो जाए। यहाँ कल भी है पीने के लिए लोग यहाँ प्यासे लोग पानी का प्यास नहीं बुझा पा रहे, यही कहेंगे। उनके हाल ऐसा है कि कल है लेकिन कल जो है वो तालाब में है, तालाब में लोग पानी नहीं पी पा रहे। ठीक है, थैंक यू। अगर हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जो भी लिख रहा हो इस कब्रिस्तान के बारे में, इस सूरत हाल के बारे में, इस परेशानी के बारे में आप हमें लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बने रहें न्यादी न्यूज़ पर।